ये सोनू है कहाँ? दिखाई क्यों नहीं दे रही? तो टप्पू के आसपास ही खेल रही है, बस ये एक बार गेट के नजदीक आ जाए। टप्पू को उसकी गलती की सजा मिलेगी। सोनू को ये पक्का कलर लगाकर दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूं। यही सही मौका है, लेकिन मैं अंदर जाऊं कैसे? एक काम करता हूं, इनके साथ ही अंदर चला जाता हूं। जिनको तूने गुब्बारे मारे उन सबको सॉरी बोल। सॉरी। चोर।
इसके साथ होली नहीं खेलनी थी, सबसे करना होगा। रुक जाओ, कोई आगे मत आना। अगर कोई भी आगे आया तो ये पक्का करे मैं सोनू को लगा दूंगा। देख रही है ये कलर, बहुत पक्का कलर है ये, महीनों तक नहीं उतरेगा। अरे कौन हो कौन तुम, छोड़ दे उसे। पीड़ी अंकल आगे मत बढ़ना, वो सच में पक्का कलर लगा देगा। अरे भाई ये क्या हो रहा है, कौन हो तुम भाई, क्यों हमारी सोनू बेटी को परेशान कर रहे हो? हाँ? ये सवाल मुझसे नहीं, इस टप्पू से पूछो। ये सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। टप्पू की वजह से? तुम टप्पू की वजह से मेरी बेटी को पक्का कलर लगा रहे हो? जेठालाल, टप्पू, अरे एक होली तो बिना टेंशन के मनाने दे। पापा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो किसकी गलती है? पापा भी बताने का टाइम नहीं है, बाद में सब बताता हूँ। ए, छोड़ दे सोनू को। ठीक है, छोड़ देता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, जाओ तुम जाओ। सोनू को कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे पता है, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो तुम लोग मुझे नहीं जाने दोगे। चल, अरे ए, अरे ए, उसे कुछ मत करना, आगे मत आना, छोड़ दो उसको। तुम लोगों को क्या लगा मैं यहां तक आऊंगा और सोनू को कलर नहीं लगाऊंगा? टप्पू, बहुत शौक था ना तुझे हीरो बनने का, अब बन ले हीरो, बचा ले सोनू को। ए, 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 तुम्हारा प्रॉब्लम टप्पू के साथ है ना, तो उसको कलर लगाओ, मेरी सोनू को क्यों लगा रहे हो? नहीं, कलर तो मैं सोनू को ही लगाऊंगा। सोनू वाला कौन है बदतमीज लड़के? बाबा कल जब हम लोग कलर लेने जा रहे थे तो ये लोग रास्ते में लोगों को परेशान कर रहे थे, ऐसे बलून मार रहे थे, और हमें बहुत लोगों ने रोका भी कि तुम उस साइड से मत जाओ, लेकिन हमें लगा कि इन लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इतनी बढ़ जाएगी कि ये लोग सोसाइटी तक आ जाएंगे मुझे कलर लगाने के लिए। अच्छा,
मतलब ये गुंडा है यहाँ बदला लेना है? ऐसे लड़के को सबक सिखाना ही चाहिए। अरे तुम्हें शर्म नहीं है ऐसे काम करते हुए? ए ए ए घूर क्या रहे हो? देखो तो इसकी आंखों में अभी भी शर्म नहीं है। टप्पू सेना ने इनके साथ जो रोड पे किया था वो कम था, इन्हें तो पुलिस को सौंप देना चाहिए। इन लोगों ने जो पक्के कलर लाए ना उसी से इनको रंग देते हैं। बोल सोनू क्या करना है इनका? पक्का कलर लगा के छोड़ दे या पुलिस में दे दे? बोल तू बोल। छोड़ दो। जाने दो इन्हें। होली का त्योहार खुशियों का त्योहार है और आज के शुभ दिन पर इन्हें पुलिस के हवाले करके हम इन्हें और इनके परिवार को दुख नहीं पहुंचा सकते। चाहूं तो मैं अभी तुझे पक्का कलर लगाकर तेरा चेहरा खराब कर सकती हूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि फिर मुझ में और तुझ में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। सड़क पर आती जाती लड़कियों को परेशान करते हो। कभी सोचा है कोई तुम्हारी माँ और बहन के साथ ऐसा करे तो? समाज में अगर तुम औरतों को इज्जत नहीं दोगे तो समाज भी तुम्हें इज्जत नहीं देगा। अरे अकेला लड़की को देखकर उसका मदद करना चाहिए और तुम उसको परेशान करते हो। चाहे तो हम अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हें पकड़वा सकते हैं। सोचे हमने ऐसा किया तो तुम्हारे माँ बाप पे क्या गुजरेगी? मैं पत्रकार हूँ, अगर हमारे अखबार तूफान एक्सप्रेस में तुम्हारे खिलाफ आर्टिकल लिखूंगा तुम्हारी फोटो के साथ तो तुम और तुम्हारा परिवार दोनों बदनाम हो जाओगे। नहीं नहीं हमारे घर वालों को मत बताना प्लीज। अभी अभी घर वालों को मत बताना। ऐसी हरकत करने से पहले अपने माँ बाप के बारे में घर वालों के बारे में नहीं सोचा कि उनको पता चलेगा तो उन पे क्या बीतेगी? एग्जैक्टली। और होली तो प्यार और खुशियां बांटने का त्योहार है, लेकिन तुम जैसे लोगों की वजह से लोग होली खेलने से डरते हैं। तो सही बात है, ये सब हरकतें छोड़ो और अपने करियर पे ध्यान दो। जाओ, छोड़ दिया तुमने। क्या? सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। हम सभी तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया वही काफी है। वाह बड़ा वाह, क्या बात, प्राउड ऑफ यू। मैंने सिर्फ सॉरी बोला पर आपने मुझे माफ कर दिया। आप लोगों को ये नहीं लगा कि मैं बाद में भी सोनू से बदला ले सकता हूँ? बेटा तुम्हारी आंखों में ये जो पश्चाताप के आंसू है ना वो कह रहे हैं कि तुम आज के बाद ऐसी गलती फिर कभी नहीं करो। और बेटा दुनिया प्यार और विश्वास पे चलती है, अगर लोग एक दूसरे पे विश्वास करना छोड़ देंगे तो दुनिया चलेगी कैसे? अगर हम तुम पे विश्वास नहीं करते और तुम्हें सजा देते तो तुम गुस्सा करते और तुम्हारे मन में बदले की भावना जाग जाती। और कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। बिल्कुल, अगर आज तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो कल तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा। राइट, इसीलिए हमने तुम्हें माफ किया। जो हुआ अब तुम भी उसे भूल जाओ और जाकर होली एंजॉय कर। थैंक यू। तुम्हें भी सॉरी टप्पू, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा। इट्स ओके।
हैप्पी होली। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। टप्पू, थैंक यू सो मच। हाँ टप्पू, थैंक यू। काय? थैंक यू। हाँ आशा जरा मोठ्या नहीं बोल। थैंक यू। लेकिन टप्पू एक बात समझ में नहीं आई कि तुमने ऐसा कुछ पहले क्यों नहीं बताया? अगर वो सोनू को कलर लगा देता तो? क्या वीडियो अंकल, सोनू को टप्पू के रहते कोई छू भी नहीं सकता है। सोनू की रक्षा करना तो मेरा फर्ज है। ये हुई ना असली कच्ची माड़ू जैसी बात। अरे लेकिन ये सब कुछ होता ही नहीं ना अगर टप्पू ने सब कुछ पहले ही बता दिया होता तो। माँ बाप से कुछ छुपाने नहीं चाहिए। बाबा हमने आप सबको ये नहीं बताया क्योंकि हमें नहीं चाहिए था कि आप सब टेंशन लो और हम सब की होली खराब हो। करेक्ट। ठीक है ठीक है, लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी। टप्पू सेना तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे तुम सब पे गर्व है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे हम सब पे गर्व है। टप्पू सेना कोई छुट न जाए, कोई बचने न पाए। ये है रंगों का संसार, सबको भिगाओ मेरे यार। बड़ा मस्त ये त्योहार आज होली है यार, बड़ा मस्त ये त्योहार आज होली है। ये रंगों की होली, उमंगों की होली, हम मस्तों की टोली आज खेलेंगे होली। अरे अरे रुक जाओ गोली। अरे रुको, अरे मत डालो रंग। बुरा न मानो हम खेलेंगे होली। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं। थोड़ी होगी ठिठोली हम खेलेंगे होली, थोड़ी होगी ठिठोली हम खेलेंगे होली। बड़ी मस्ती में ये टोली है, टप्पू सेना की होली है। अलग अलग बोली, अलग अलग बोली, गोकुल धाम मिल कर खेले होली। ओ भिड़े अंकल, बड़ा मस्त ये त्योहार आज होली है यार। झूम के खेल दिल से खेल, झूम के खेलो सारे दिल से खेल। दोस्तों मैंने आपसे पहले ही कहा कि होली हमारे अंदर की और समाज के अंदर की छुपी बुराई को खत्म करने का प्रतीक है। आज सही मायने में हमारी होली सार्थक हुई। गुड्डू के अंदर की जो बदले की आग थी वो बुझ गई, और जैसे आज हमने रंगों का त्योहार मनाया है ठीक वैसे ही आपने भी रंगों का उत्सव मनाया होगा। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, लेकिन ये गोकुल धाम है, यहाँ पर शांति ज्यादा देर तक टिकती नहीं है क्योंकि गोकुल धाम का दूसरा नाम धमाल है। यहाँ एक दिन ऐसा नहीं बीतता जब कोई धमाल ना हो। जब यहाँ पर टेंशन का पारा ऊपर जाएगा तभी तो आपके घर पर हंसी और ठाकों का पारा ऊपर आएगा। अब देखना यह है कि यहाँ पर आगे कौन सा धमाल होता है, तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.